कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री। देखिए, श्रीफल का एक तो औषधि गुण है, औषधि फल माना गया है। नारियल पानी लोगों को पिलाया जाता है, ये औषधि गुण है, ये जो शरीर को पुष्ट करता है, पुष्टि प्रदान करता है। अब इसका आध्यात्मिक जो फल है उसका और हम आपको बता देते हैं। नारियल में को त्रिनेत्रधारी कहा गया है, इसमें तीन नेत्र हैं। प्रायः लोग नारियल को कलश पे रख देते हैं, आकाश की तरफ उसकी पूंछ होती है, जिसमें वही स्थान उसका उगने वाला होता है। अंकुरित भी वहीं से होता है और नेत्र भी उसके वहीं से कहलाते हैं। लेकिन नारियल की जो विधि है रखने की, वो नारियल खड़ा ना करके कलश के ऊपर आड़ा रखना चाहिए, जिसकी पूंछ का मुंह हमारी तरफ हो। अर्थात जैसे देव भगवान का मुख हमारी तरफ है, ऐसे ही नारियल का मुख भी हमारी तरफ होना चाहिए। ये फलकारी है। विशेषकर साक्षात यदि हमारे पास वस्तु लोटा नहीं है, जल नहीं है, कलश नहीं है, तो केवल नारियल को कलश के रूप में हम पूज सकते हैं। मात्र केवल नारियल को हम रख दें और नारियल में ही भगवान वरुण का आवाहन कर लें, पूजा कर लें, तो हमें कलश की पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और यदि हम किसी को दिया जाता है तो सम्मान में भी इस फल का बड़ा महत्व है, श्री युक्त है। साक्ष अगर इस फल का हम इस्तेमाल हम पूजन में करते हैं, हम धन का अभाव यदि हमारे पास में है, हम धन अर्पण नहीं कर रहे हैं, यदि हमने केवल श्री फल को अर्पण कर दिया तो सब कुछ अर्पण कर दिया। श्री फल का महत्व है। ये फल जल्दी से खराब नहीं होता है, कई दिनों तक, यहाँ तक कि वर्षों तक भी ये फल खराब नहीं होता है। जल सूखने के बाद यदि नारियल भी सूखा है तो ये खराब नहीं होता है। इस कारण से हर जगह जो चीज़ आसानी से जल्दी से खराब ना हो, ऐसी चीज़ देने का विधान है। किसी को भी हम दें, अगर वो तत्काल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अगर 10 दिन बाद भी करता है तो ख़राब नहीं मिलेगी। तो प्राणों में तो फलों में ही जिक्र है, इस प्रकार का जिक्र तो हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही इस कहीं इसका इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन हाँ, जितनी भी पूजन की चीज़ें हैं, जो भी पूजन की वस्तु हैं, उनमें श्री फल का महत्व है। यदि कलश में रखे रखे पौधा आता है तो ये मान के चलिए साक्षात परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त हुआ है। ये वृक्ष आप जहाँ लगाओगे वहाँ सिद्धि और समृद्धि दायक होगा। जल का वास है और साक्षात भगवान वरुण को भी हम जल का स्वामी मानते हैं। जल का स्वामी मानने के कारण कलश के अंदर भी जल का वास है, इसलिए कलश के ऊपर ही हम इसको विराजित करते हैं। अंदर भी जल जो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, और कलश के अंदर भी जल। देखिए, अनादि काल से श्री फल का महत्व है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से श्री फल का महत्व है। श्री का मतलब होता है जो सबसे प्रधान हो। श्री का मतलब होता है कि जो समृद्धिदायक हो। श्री का मतलब जो होता है जो प्रतिष्ठित हो, उसके साथ हम श्री जोड़ते हैं। तो वैसे ही श्रीफल समृद्धिदायक, प्रतिष्ठित, और हर एक पूजा में जब तक हम श्रीफल का इस्तेमाल ना करें तब तक वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अपूर्ण रहती है। ये प्रधान फल कहलाता है। फलों में सबसे ज़्यादा प्रधान फल यदि कोई कहलाता है तो नारियल का फल ही कहलाता है। फल के स्वामी
देखिए फल के स्वामी तो देखिए पूरे जगत का नियंता परमात्मा ही है, इस फल के स्वामी साक्षात नारायण है, जगत नियंता श्री नारायण इसके स्वामी हैं, इसी कारण से ये सभी पूजाओं में ग्राही है।